नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाऊं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, नोटबंदी और जीएसटी के बाद हमारे देश में छोटे और मझोले उद्योगों को यानी एमएसएमआई सेक्टर को कर्ज मिलना मुश्किल हो गया है। रिजर्व बैंक द्वारा की गई मेन स्ट्रीट मेमो स्टडीज यह बताती है कि हमारे देश में एमएसएमआई सेक्टर नोटबंदी और जीएसटी के बाद बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नोटबंदी और जीएसटी ये एमएसएमआई सेक्टर के लिए ऐसे बड़े दो झटके साबित हुए जिससे ये सेक्टर आज तक उभर ही नहीं पाया। नोटबंदी से एमएसएमआई सेक्टर के अपेरल और ज्वेलरी सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जीएसटी आने के बाद एमएसएमआई सेक्टर की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई जिसके लिए उनकी वायबिलिटी खत्म हो गई। खबर के पीछे की खबर यह है, हमारी केंद्र सरकार नोटबंदी और जीएसटी यह सफल हो गई है बताने के लिए कई बातें नजरअंदाज करती है। एमएसएमआई सेक्टर उसी में एक है जिसके वजह से देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है। एमएसएमआई सेक्टर में 6 करोड़ से ज्यादा इकाइयां काम करती हैं, 11 करोड़ से ज्यादा लोग वहां एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। एमएसएमआई की देश के जीडीपी में 30% हिस्सेदारी है तो निर्यात में 40%। इतने बड़े सेक्टर को सरकार ने संकट में डाला और फिर भी सरकार कहती है कि सब ठीक है। यह है खबर के पीछे की खबर। देखते रहिए धोबी घाट।